तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टिकटौली, इमलिया, कल्याणपुर, नरसरा और मालहनबाड़ा में पहुंचकर विधायक संजय शर्मा ने विभिन्न लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपकी वजह से ही हम विधायक बने हैं और आपके सुख दुख की चिंता करना हमारा नैतिक दायित्व है। निश्चित तौर पर समाज में जो अच्छा काम करता है उसका हमेशा सहयोग करना चाहिए। समय बार बार नहीं मिलता, जीवन में लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी उनके सद्कार्यों को याद करे। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचता चला जा रहा है, फिर भी सरकार अपनी पीठ स्वयं थपथपाने में लगी हुई है। वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में माननीय कमलनाथ के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस को मिल रहे समर्थन से कांग्रेस और युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि आज क्षेत्र के युवा कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। विधायक संजय शर्मा की क्षेत्र के प्रति समर्पण भावना, सहयोग और सुख दुख में हमेशा सहयोग साथ खड़े रहने के चलते ग्राम टिकटौली में 25 तथा इमलिया में 20 युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संदीप पटेल, जिला पंचायत सदस्य मोना कौरव, जनपद उपाध्यक्ष मनीष कौरव के साथ साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर विधायक संजय शर्मा ने अपनी विधायक विकास निधि से बामनवाड़ा में आंगनवाड़ी भवन दिलाए जाने के साथ 2 लाख रुपए से खिरापति के पास पेवर ब्लॉक तथा युवाओं को जिम सामग्री, इमलिया में 3 लाख रुपए पुलिया निर्माण, 1 लाख चबूतरा निर्माण हेतु, वहीं कल्याणपुरा में 1 लाख रुपए चबूतरा निर्माण, जिम सामग्री तथा भजन मंडली की सामग्री तथा ग्राम नरसरा में सामुदायिक भवन की घोषणा की गई। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के द्वारा विधायक का गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया। अच्छे व्यक्ति निवास करते जी, आप लोग मोहर लगाए कि हम लोग अच्छे आदमी हैं। लोकतंत्र में चुनाव बंद नहीं होते और हम लोग चुनाव लड़ने से मानते नहीं, चुनाव लड़ेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक काम अच्छे करें। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि हम लोग काम की दम पर नेता हैं, आपने नेता बनाया, हम नकली नेता नहीं है, किसी कृपा पर बने हुए, नहीं तो कोई अन्य पार्टी नहीं, जो सत्ता चल रही थी, सरकार थी, हम लोग वहीं रहते और बैठे बैठे काम करते रहते। लेकिन आप सबकी कृपा से जो काम जनता के बीच में जाके करेगा, चुनाव जीते जाए हारे नेता रहेगा, और जीतने के बाद भी लोग नेता नहीं बन पाते हैं, सांसद विधायक बन जाते हैं लेकिन नेता नहीं बन पाते। जनता की समस्या का समाधान करने का अगर आपके अंदर काबिलियत है और जनता को राहत दिला सकते हो तो आप नेता हो। जो कहने से काम नहीं चलता कि तुम्हारी रिपोर्ट हो गई, हमका करेंगे, कुछ भी हो जाए, हमारे कार्यकर्ता परेशानी आएगी तो हम उसका सहयोग करेंगे, उसको सुख दुख में छाती अड़ा के उसके मदद करके उसको राहत दिलाएंगे। जब हम नेता हैं, बिल जमा कर दो फिर डीपी बदलेगी, रिपोर्ट हो गई, जब नहीं छूट पाओ तो काहे के लिए फरमाता, हमारा कोई आदमी आएगा ना जिसका बिल जमा नहीं है, जिसका काम हो नहीं रहा है। तेंदुखेड़ा से पतिराम पटेल की रिपोर्ट।